जिस शब्द से सबसे ज्यादा नफरत करते हैं लोग, दैट इज कॉल्ड फेलियर। अगर कामयाब होना है दोस्त, तो उसका रास्ता फेलियर से ही निकलता है। कितने लोगों में दम है कि यह शब्द से प्यार करने का? मुझे यह शब्द से बहुत ज्यादा प्यार है मेरे दोस्तों। When life is very static, जब चीजें बहुत अच्छी चलती है तो मुझे ज्यादा टेंशन होता है कि लाइफ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लफड़े करने वाली है। I just love this word failure. I just love this word failure. मैं जो भी बनाऊं अपने जीवन में, ये फेलियर के वजह से बनाऊं। इसको झेल कर कामयाब होने वाले को ही बोलते हैं फाइटर, फाइटर। लेकिन इतना आसान नहीं है इसको झेलना। एक स्टेटमेंट था, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, कौन जीता? टीम अच्छा इंडिया था, वहां पर सारे बच्चे थे। विराट कोहली का स्टेटमेंट है, वी हैव बीन द मोस्ट कंसिस्टेंट टीम इन आईसीसी टूर्नामेंट आफ्टर अवर विक्ट्री इन द वर्ल्ड कप 2011। उन लोगों के दिमाग के अंदर यही था कि 2011 के वर्ल्ड कप के चैंपियन है हम लोग, वी वेर द बेस्ट टीम, बेस्ट टीम। और वो टाइटल को अपने को डिफेंड करना है। अगर हार गए तो क्या होगा? अगर हार गए तो क्या होगा? अगर हार गए तो क्या होगा? सबसे पहला तो इधर उतरने के टाइम पे उनकी पूरी होलसेल में लगने वाली होगा। वॉर चालू है इंडिया पाकिस्तान के बीच में, दैट वाज द प्रेशर के डिफेंड करना है। हम सब लोग बोलते हैं कि दुनिया से हार जाओ, लेकिन नहीं तो अभी आज के तारीख में अगर प्रेशर नहीं रहे ना, बोल कर मारे उन लोगों को अपनी टीम। लेकिन उस दिन हार गए, वजह क्या था? दैट वॉज ओनली फियर ऑफ फेलियर। आपका भी हारने का वजह यही होगा, दैट वॉज ओनली फियर ऑफ फेलियर। ये चीज आप अपने जिंदगी में अपने आप को एनालाइज कर, अपने आप को, अपने आप को। एक ईगल का अंडा एक मुर्गी के एक्चुअली घोंसले में गिर गया, और वो ईगल बड़ा हुआ वो मुर्गियों के साथ में ही। अब ये आइटम ईगल है, लेकिन इसके पास में आईना नहीं है कि ये अपने आप को देख सकता है कि आई एम डिफरेंट। उसको लगता है कि मैं भी इन्हीं की तरह, क्योंकि पैदा किसके साथ में हुआ है? चिकन के साथ में। एक दिन ये ईगल देखता है ये लोग इतना ऊपर उड़ रहे, मेरा भी स्पेयर पार्ट सेम ही है, मैं क्यों नहीं? Why can't I? यहां पर आप जैसे लोग जो क्राउड में आकर बैठते हैं, आप भी यही सोचते हैं। ये लीडर्स तो बड़े बड़े कार लेकर घूमते हैं, Why can't I? रियलिटी क्या था? He was an eagle, आप भी वही हो, हम सब के सब वही है। और ये जाता है अपने मां के पास, जो चिकन थी ये गया अपने मां के पास। मां को बोला ऐसे ऐसे उड़ते हुए मैंने देखा, इतने ऊपर उड़ते हुए देखा, अब भी जाओगे लोगों के पास से ज्यादा? अपने साथ की भी बात कर रहा हूं, अब भी जाओगे। हम सब ईगल हैं, उतने ही ज्यादा ऊपर उड़ने के लिए बने हैं। सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है हमें हमारा एसोसिएशन। ये मेरे लिए भी बहुत स्ट्रांग लागू होता है। जाने अनजाने में ये एसोसिएशन इतना भयंकर इफेक्ट करता है अपने खुद के जीवन के अंदर कि हमें भी पता नहीं है।
हम सब पे लागू होता है कुंजीर सर, ये मेरे पे भी लागू होता है कि मैं किसके साथ उठता बैठता हूँ। मैं फालतू लीडर के साथ भी उठता बैठता हूँ जो हमेशा ये कंपनी वो कंपनी दुनिया भर की बातें दुनिया भर के लोगों की खबरें लेकर आकर मेरे को बताता है, या फिर एक ऐसे बंदे के साथ मैं उठता बैठता हूँ जो प्रोग्रेस की बात करता है। कैसे दोस्त है हमारे जो इन्वेंटरी बातें करते हैं कि यार जिंदगी के अंदर ये करना है। कैसा एसोसिएशन है आपका, प्रोग्रेसिव है कि डिप्रेसिव है? प्रोग्रेसिव है कि डिप्रेसिव है? आस्क योरसेल्फ, इंक्लूडिंग योर वाइफ, इंक्लूडिंग योर हस्बैंड, इंक्लूडिंग योर ससुर, इंक्लूडिंग योर सास, इंक्लूडिंग योर फ्रेंड्स। याद रखना दोस्तों, जो चीज दुनिया में कोई भी कर सकता है वो तू भी कर सकता है। याद रखना, खाली धैर्य रखना। जब बुरा वक्त आए, जब बैड टाइम्स आए, जब जिंदगी में नीचे जाए, उस वक्त में टेंशन लेकर बैठने से कुछ नहीं होता है। उस वक्त में उसका सलूशन निकालने के ऊपर काम करना बड़ा बन जाएगा।